हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जो कहीं नहीं मिलेगा वो गूगल पर मिलेगा, लेकिन क्या आप सर्च करते वक्त थोड़ा सा भी सोचते हैं कि हम क्या सर्च करने वाले हैं? गूगल पर सर्च करने से पहले आप जान ले कि क्या सर्च करना है और क्या नहीं। गूगल को लोग सबसे अधिक सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों को पूरा भरोसा है कि जो कहीं नहीं मिलेगा वो गूगल पर मिलेगा। घर में हो, ऑफिस में हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो, अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप में हम गूगल सर्च बड़ी आसानी से कर लेते हैं। फूड रेसिपी से लेकर पसंदीदा गाने देखने के लिए गूगल सर्च ही हमारा सहारा होता है। लेकिन कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी चीजें भी गूगल पर सर्च कर लेते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। आज आप इस वीडियो में ऐसी ही चीजों के बारे में जानेंगे जो आपको भूलकर भी गूगल पर सर्च नहीं करनी है। नंबर वन, संदिग्ध चीज। अक्सर गूगल पर लोग कुछ ऐसी चीजें सर्च कर लेते हैं जिनसे उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन वो सर्च हम सिर्फ देखने के लिए करते हैं। कभी भी इंटरनेट सर्फिंग करते समय कोई संदिग्ध चीजें सर्च ना करें, क्योंकि साइबर सेल की नज़र अक्सर ऐसे लोगों पर ही होती है जो ऐसी शंकास्पद चीजें सर्च करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दूसरे ही दिन आपके घर पे पुलिस आ सकती है और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। नंबर टू, मेडिकल से संबंधी कोई जानकारी। कई बार बीमार पड़ने पर हम गूगल पर बीमारी के लक्षण के आधार पर दवाइयां सर्च करते हैं। ऐसा करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। बीमार पड़ने पर डॉक्टर का ही संपर्क करें और उनकी बताई गई दवा का ही इस्तेमाल करें, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। नंबर तीन, ईमेल। अपने ईमेल एड्रेस के लॉगिन को भी गूगल पर सर्च करने से पहले सोच ले। अगर आपने ऐसा किया तो आपका पासवर्ड लीक हो सकता है, जिससे आपका अकाउंट हैक हो सकता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मामले ईमेल हैक होने के हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें साइबर सेल में ईमेल हैक होने से ही आती है। नंबर फोर, गवर्नमेंट वेबसाइट। इन दिनों हैकर्स सरकारी वेबसाइट और पोर्टल का डुप्लीकेट वेबसाइट भी प्रमोट करने लगे हैं। कई यूजर्स इन फर्जी वेबसाइट के आसानी से शिकार हो जाते हैं। हमेशा देखें कि सरकारी वेबसाइट के अंत में gov.nic.in जरूर मेंशन होता है और आप जो वेबसाइट एक्सेस करते हैं उनके आगे https लिखा होता है तो ही वो वेबसाइट विजिट करें। वेब एड्रेस को देखकर ही किसी भी वेबसाइट को ओपन करें। नंबर फाइव, ई कॉमर्शियल वेबसाइट लाइक Amazon, Flipkart। आजकल हम शॉपिंग के लिए ई कॉमर्शियल वेबसाइट का सहारा लेते हैं। ऐसे में हैकर्स इन ई कॉमर्शियल वेबसाइट का फर्जी पेज बनाते हैं, जिसमें आप शॉपिंग करने के लिए आपकी कार्ड डिटेल्स दर्ज करेंगे तो इसकी जानकारी हैकर्स तक पहुंच सकती है और आपका बैंक अकाउंट साफ हो सकता है। इन सब कंपनियों का ऐप यूज करते समय ये सब परेशानियां नहीं आती, लेकिन वेबसाइट पे ये परेशानी आ सकती है। नंबर सिक्स, एंटीवायरस। कभी भी गूगल पर एंटीवायरस ऐसा सर्च नहीं करना चाहिए। एंटीवायरस की जगह पर आप गलती से वायरस वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इन वायरस की वजह से आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हैक हो सकता है। हैकर आपके कंप्यूटर की सारी जानकारियां ले सकता है। नंबर सेवन पर है, कूपन कोड्स। कैशबैक या फिर गिफ्ट ई कॉमर्शियल वेबसाइट पर मिलते ही इंडियन कम्युनिटी पागल हो जाती है। ये सब हमारे लिए वरदान मिलने के बराबर है, लेकिन कैशबैक के चक्कर में हम अक्सर कूपन कोड्स को सर्च करते हैं। कूपन कोड्स को आप गूगल पर सर्च करेंगे तो कई बार फर्जी कोड्स आ जाएंगे। ऐसे ही आप इन फर्जी कोड्स को शॉपिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वहीं आपकी बैंक डिटेल चोरी हो सकती है। नंबर एट, प्रेशर कुकर बम। कभी भी खतरनाक चीजों से जुड़ी जानकारी या फिर उसे बनाने की तकनीक कभी सर्च ना करें। एक बार एक व्यक्ति ने प्रेशर कुकर से बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी को सर्च कर दिया। दूसरे ही घंटे उसके घर पर पुलिस पहुंच गए। नंबर नाइन, कंपनी के कस्टमर केयर नंबर। ज्यादातर हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की शिकायत करने के लिए उसके कस्टमर केयर नंबर या फिर हेल्प लाइन नंबर को गूगल पर सर्च करते हैं। हैकर्स फेक नंबर गूगल पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से आप कस्टमर केयर नंबर गूगल में सर्च करेंगे आपको हैक नंबर मिल सकता है। जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, हैकर्स के पास आपकी निजी जानकारियां चली जाएगी। ऐसे में आपको हमेशा प्रोडक्ट पर मेंशन किए गए हेल्पलाइन नंबर या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 10, सबसे आखिरी और जरूरी टॉपिक, सोशल मीडिया वेबसाइट। सरकारी वेबसाइट के अलावा सोशल मीडिया वेबसाइट भी हैकर्स के लिए आसान का टारगेट होता है। ऐसे में आप कभी भी सोशल मीडिया वेबसाइट को ओपन करें तो URL दर्ज करके ही ओपन करें, नहीं तो आपकी पर्सनल लाइफ की जानकारियां लीक हो सकती है।
मेरी सलाह माने तो सोशल मीडिया को अकाउंट को चलाने के लिए हमेशा ऑफिशियल ऐप का ही इस्तेमाल करें, कभी भी वेबसाइट का इस्तेमाल ना करें। आपने कभी भी ऐसी गलती की हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें।